हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डीजल एंड पेट्रोल इंजन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीएल की दृष्टि से HEMO ऑपरेटर। प्लीज़ चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। पहला क्वेश्चन है, डीजल इंजन सिलेंडर में निम्न में से कौन से माध्यम संपीड़न किया जाता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केवल वायु को ही कंप्रेस करके फिर इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल को स्प्रे कराते हैं, तब हमारी पावर जनरेट होता है। तो केवल वायु को। दो नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से पिस्टन पर डिफ्लेक्टर बनाया जाता है? किसके कारण से डिफ्लेक्टर बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, जली हुई गैस को बाहर निकालने के लिए। तीन नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से पिस्टन के किस भाग पर डिफ्लेक्टर होता है? पिस्टन के किस भाग पर डिफ्लेक्टर होता है? ऑप्शन नंबर ए, क्राउन पर। चार नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन का वायु ईंधन अनुपात नियंत्रित करता है। पेट्रोल इंजन का वायु ईंधन का अनुपात नियंत्रित करता है, आपको बताना है। उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बोरेटर। जो कार्बोरेटर रहता है वो एयर फ्यूल को मिक्सचर करता है और मिक्सचर करके इंजन में भेजता है। किस में इंजन में भेजता है? पेट्रोल वाले इंजन में। पांच नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से स्केवनिंग क्या है? आपको बताना है जो स्केवनिंग है क्या है। उत्तर है एग्जॉस्ट गैस को निकालने की प्रक्रिया। छः नंबर क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी इंजन में सुपर चार्जर किस लिए उपयोग किया जाता है? जो सुपर चार्जर होता है वो किस लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है बी, शक्ति बढ़ाने के लिए। जो सुपर चार्जर का प्रयोग होता है वो होता है शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। सात नंबर क्वेश्चन है, दो स्ट्रोक इंजन की तुलना में चार स्ट्रोक इंजन की लुब्रिकेटिंग ऑयल खर्चा होता है, ये आपको बताना है। उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जो कम होता है। आठ नंबर क्वेश्चन है, एक आघात में पिस्टन द्वारा TDC तथा BDC के बीच का सिलेंडर में विस्थापित आयतन होता है। TDC से BDC के बीच में भी सिलेंडर के विस्थापित आयतन क्या होता है, आपको बताना है। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एक स्वेप्ट वैल्यू। कौन सा होता है? स्वेप्ट वैल्यू होता है TDC और BDC के बीच की आयतन। नौ नंबर क्वेश्चन है, CI इंजन में सिलेंडर में चूर स्ट्रोक के दौरान क्या होता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केवल वायु को चूरित किया जाता है। वाल्व स्टेम तथा क्रैंक शाफ्ट के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वाल्व स्टेम तथा क्रैंक शाफ्ट के बीच की दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए, क्लीयरेंस वैल्यूम। क्लीयरेंस क्या कहते हैं? कहलाती है वैल्यूम, क्लीयरेंस। 11 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक हल्का तथा वाष्पशील द्रव ईंधन निम्न में से कौन सा होता है? सबसे हल्का और वाष्पशील द्रव कौन सा होता है, आपको बताना है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गैसोलीन। कौन सा होता है? गैसोलीन। जो गैसोलीन होता है वो होता है सबसे अधिक हल्का तथा वाष्पशील द्रव होता है गैसोलीन। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जगह पर क्लीयरेंस वैल्यूम छोड़ा जाता है? निम्न में से किस जगह पर क्लीयरेंस वैल्यूम छोड़ा जाता है, आपको बताना है। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, है TDC, टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर हमेशा ऊपर रहता है और BDC हमेशा नीचे रहता है सिलेंडर के। निम्न में से पिस्टन द्वारा एक स्ट्रोक में खाली किया गया आयतन क्या कहलाता है? एक स्ट्रोक में खाली किया गया आयतन को क्या कहते हैं? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डिस्प्लेसमेंट क्लीयरेंस। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट
किलरेंस। 28 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य आकार के लिए द्वितीय स्ट्रोक इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति सैद्धांतिक रूप से चतुर्थ घात इंजन की तुलना में क्या होता है? आपको बताना है कि क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से क्या मिश्रित रहता है कि क्रूड ऑयल में, क्रूड ऑयल में क्या मिश्रित रहता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन एवं कार्बन, क्रूड ऑयल में हाइड्रोजन एवं कार्बन मिश्रित रहता है। क्रूड ऑयल से बनाए जाते हैं, जो क्रूड ऑयल है वो किससे बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, पेट्रोल डीजल और गियर ऑयल से मिक्स करके क्रूड ऑयल बनाए जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, चार सिलेंडर इंजन में सबसे अच्छा फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे अच्छा फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी 1 3 4 2, इसका फायरिंग ऑर्डर नंबर है 1 3 4 2। चार सिलेंडर इंजन में फायरिंग ऑर्डर 1 3 4 2। छह सिलेंडर में इंजन की सबसे अच्छी फायरिंग ऑर्डर क्या होती है आपको बताना है। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1 3 5 6 2 4, 1 3 5 6 2 4 फायरिंग ऑर्डर होता है। इंजन के अधिक गर्म होने का कारण क्या है? इंजन अधिक गर्म हो जाता है उसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, इंजन का जमा होना, वाल्व टाइमिंग से गलत होना और प्री इग्निशन होना। उपयुक्त सभी, इसकी वजह से जो हमारे इंजन है अधिक गर्म हो जाते हैं। निम्न में से किस कारण से तेल की खपत अधिक होती है? किस कारण से तेल की खपत अधिक होती है? उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सत्य हैं, बेयरिंग खराब हो जाता है, बाहरी लीकेज हो और मिश्रण रिच हो, मिश्रण रिच हो तो तेल अधिक खपत होगा। किस इंजन की क्षमता कम होती है? किस इंजन की क्षमता कम होती है? ऑप्शन नंबर बी बाह्यदहन इंजन, जो एक्सटर्नल इंजन होता है उसकी इंजन की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से पिस्टन में सबसे पहले क्या लगा होता है? निम्न में से पिस्टन में सबसे पहले क्या लगा होता है? ऑप्शन नंबर जो बी है कंप्रेशन रिंग, कंप्रेशन रिंग हमेशा दो लगी होती है, ये हमारा हो गया पिस्टन, ये हो गया स्पार्क प्लग, इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व, ये सिलेंडर रहता है। सिलेंडर के अंदर में हमारे पास पिस्टन रहता है, पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड से कनेक्शन क्रैंक शाफ्ट से, तो यहाँ पर जो रहता है उसको कंप्रेशन रिंग बोलते हैं और नीचे जो रहता है ऑयल रिंग बोलते हैं। ये ऑयल रिंग इसलिए लगा रहता है, जो नीचे का लुब्रिकेशन है क्रैंक शाफ्ट का वो लुब्रिकेशन ऑयल ऊपर फायरिंग ऑर्डर में ना जाए, फायरिंग वाले जो कंप्रेशन चैम्बर में ना जाए, जो कंप्रेशन चैम्बर में जली हुई गैसें हैं ये कंप्रेशन रिंग उस लिए रोकता है कि नीचे जो लुब्रिकेशन में वो रिस के ना आए, इसीलिए हम ये रिंग का प्रयोग करते हैं, ये रिंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर जो था वो भी था कंप्रेशन रिंग का, सबसे पहले ऊपर में कंप्रेशन रिंग फिर नीचे में ऑयल रिंग लगी होती है। निम्न में से किस कारण से इंजन ऑयल जलने लगता है आपको बताना है, इंजन ऑयल किसके कारण से जलने लगता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी कंप्रेशन रिंग घिस जाने के कारण, जो कंप्रेशन रिंग अगर घिस जाती है तो इंजन ऑयल जलने लगता है, क्योंकि वो इंजन से क्या होता है वहाँ से रिसाव होने लगता है, कंबेसन चैम्बर से जो गैसें हैं वो फ्यूल गैसें रिस करके वो इंजन ऑयल में जाने लगते हैं और इंजन ऑयल जलना लगता है। निम्न में से किस कारण से इंजन ओवरहीट होता है? निम्न में से किस कारण से इंजन ओवरहीट होता है आपको बताना है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी पानी कम होना या कूलिंग कम होना, कूलिंग कम होने की वजह से जो इंजन है वो ज़्यादा ओवरहीट हो जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है।
24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से इंजन गर्म होने पर बंद हो जाता है? इंजन गर्म हो जाए फिर वो बंद भी हो जाता है, वो किस कारण से होता है? ऑप्शन नंबर सी है, इंजन ओवरहीट हो जाता है तो क्या होता है, इंजन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। 125 नंबर क्वेश्चन है, एग्जॉस्ट से नीले धुएं होने के कारण क्या है? एग्जॉस्ट से नीले धुएं होने का कारण है कि पेट्रोल में तेल की मात्रा अधिक है और इग्निशन टाइमिंग ठीक नहीं है। ये ऑप्शन नंबर सी जो है, दोनों ए और बी जो है ये सत्य है। एग्जॉस्ट से नीले धुएं होने का कारण दो है, पेट्रोल में तेल की मात्रा अधिक, इग्निशन टाइमिंग ठीक नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन है, इंजन ऑयल जलने से कौन सा धुआं दिखाई देता है? इंजन ऑयल जलने से कौन सा धुआं दिखाई देता है आपको बताना है। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद धुआं। इंजन ऑयल जलने से कौन सा धुआं दिखाई देता है? सफ़ेद धुआं दिखाई देता है। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है? जो कंप्रेशन स्ट्रोक है उसमें क्या होता है आपको बताना है। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इनमें खुला हुआ इनलेट वाल्व भी बंद हो जाता है। कंप्रेशन में दोनों वाल्व बंद होते हैं, इनलेट और आउटलेट। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इंजेक्ट होता है, तो हमारा जो फ्यूल है वो बर्न होता है, तो जो पिस्टन क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो इस जगह पर इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों वाल्व बंद होते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। समान आकार के लिए द्वितीय स्ट्रोक इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति सैद्धांतिक रूप से चतुर्थघात इंजन की तुलना में क्या होता है आपको बताना है। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दुगुनी होती है। वाल्व हमेशा बंद स्थिति में रहता है तो उसका कारण बताइए। वाल्व हमेशा बंद स्थिति में रहता है, क्यों रहता है, क्या कारण है आपको बताना है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, स्प्रिंग द्वारा। जो वाल्व हमेशा बंद क्लोज होता है किसके द्वारा होता है, स्प्रिंग के द्वारा होता है। 130 नंबर क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंजन के बाहरी सतह को चिकनी किया जाता है। इंजन के अगर बाहरी सतह को हम साफ करना है किसके द्वारा साफ करेंगे, लेपिंग के द्वारा। किसके द्वारा, लेपिंग के द्वारा। क्रैंक पिन होता है, क्रैंक पिन कैसा होता है आपको बताना है। तो क्रैंक पिन हमेशा अंडाकार होता है, जो क्रैंक पिन होता है हमेशा अंडाकार होता है, क्रैंक पिन। 32 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है। पेट्रोल को शुद्ध किससे किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर जो डी है, प्रभाजी आसवन द्वारा। प्रभाजी आसवन द्वारा क्या किया जाता है, पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है। नोकिंग का मुख्य कारण निम्न में से क्या है? जो नोकिंग होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, पूर्व प्रज्वलन। पूर्व प्रज्वलन जो होता है वो नोकिंग का कारण है। 34 नंबर क्वेश्चन है, डीजल के शीघ्र जलने का मुख्य आधार क्या है? डीजल का शीघ्र जलने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सीटेन नंबर। सीटेन नंबर होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, वाल्व किसी सहायता से खुलता है? वाल्व किसके सहायता से खुलता है आपको बताना है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कैम शाफ्ट के द्वारा। जो वाल्व है वो कैम शाफ्ट के द्वारा ही खुलता है। 37 नंबर क्वेश्चन, कैम शाफ्ट को किससे शक्ति मिलती है? जो कैम शाफ्ट है उसकी शक्ति किससे मिलती है आपको बताना है। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्रैंक शाफ्ट के द्वारा। कैम शाफ्ट को शक्ति किससे मिलती है, क्रैंक शाफ्ट के द्वारा मिलती है। पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को किससे जोड़ा जाता है? पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को किससे जोड़ा जाता है आपको बताना। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। ए और बी, गजन पिन के द्वारा, पिस्टन पिन के द्वारा। गजन पिन और पिस्टन पिन के द्वारा पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है डी है, करेक्ट है। क्रैंक शाफ्ट और
कनेक्टिंग रॉड जोड़ते समय कौन सी बेयरिंग प्रयोग की जाती है? क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ते समय कौन सी बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फ्लैट बेयरिंग। कौन सा किया जाता है? फ्लैट बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि बेयरिंग कितने टाइप होती है, तो बेयरिंग हमेशा दो टाइप होती है, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग और फ्रिक्शन बेयरिंग। जो फ्रिक्शन बेयरिंग होती है उसके अंदर बहुत सारे बेयरिंग आती है, बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, टेपर बेयरिंग, डबल ग्रुप बॉल बेयरिंग, डबल टेपर बेयरिंग। जो ये एंटी फ्रिक्शन टाइप हो गया, एंटी फ्रिक्शन टाइप। जो फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग होती है वो बूस्ट बेयरिंग हो गया, जनरल बेयरिंग हो गया, जिसको हम ऑयल बेयरिंग या हाइड्रोलिक बेयरिंग भी बोलते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो क्वेश्चन थे बेयरिंग से रिलेटेड। 140 नंबर क्वेश्चन है, इंजन द्वारा किस स्ट्रोक में शक्ति उत्पन्न की जाती है? इंजन द्वारा किस स्ट्रोक में शक्ति उत्पन्न की जाती है आपको बताना है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी एक्सपेंशन। एक्सपांशन जो होता है उसमें हमारी शक्ति प्रोड्यूज होती है एक्सपांशन के द्वारा। हमारे पास स्ट्रोक चार होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट। जो एक्सपांशन होता है उसमें हमारा, उसको पावर स्ट्रोक भी कहते हैं, तो उसी में हमारी शक्ति उत्पन्न होती है एक्सपांशन स्ट्रोक में। 141 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन में कम से कम कितने रिंग होते हैं? जो पिस्टन होता है उसमें कम से कम कितने रिंग होते हैं? तीन रिंग होते हैं। पिस्टन में हमेशा तीन रिंग होते हैं, मोस्टली दो रिंग का ज़्यादा उपयोग होता है। एक होता है कंप्रेशन रिंग, दूसरा होता है ऑयल रिंग, एक बीच में भी रिंग होता है। उस रिंग का मतलब ये है कि जो बीच में, इसके थ्रू भी अगर हमारा रिसाव हो जाता है, ये भी थोड़ा रुकावट करता है बीच वाली रिंग घिसने की वजह से। फिर इसके बाद अगर रिंग घिस गई है तो हम रिंग को चेंज कर सकते हैं। मोस्टली दो ही रिंग ज़्यादा उपयोग में होती है, कंप्रेशन रिंग, एक ऑयल रिंग। 42 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूल पंप चलता है, जो फ्यूल पंप है वो किस माध्यम से चलता है आपको बताना है। जो फ्यूल पंप है वो कैसे चलता है? ऑप्शन है गियर से। जो फ्यूल पंप है वो गियर के थ्रू कनेक्टिंग पावर रहता है और गियर के थ्रू चलता है फ्यूल पंप। पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल कहाँ होता है? पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल कहाँ होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी कार्बोरेटर में। जो कार्बोरेटर में एयर फ्यूल मिक्सचर होता है वो कार्बोरेटर में होता है, फिर कार्बोरेटर के बाद वो इनलेट वाल्व में आता है। डीजल इंजन में एयर फ्यूल कहाँ मिलता है? डीजल इंजन में एयर और फ्यूल कहाँ मिलता है, कौन सा स्ट्रोक में मिलता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कंबसन चेंबर में। कंबसन चेंबर में डीजल एवं एयर का फ्यूल मिक्सचर मिलता है। जो पहले एयर कंप्रेस होगा रहता है, फिर डीजल हमारा इंजेक्ट होता है, वो कंबसन चेंबर में होता है। 45 नंबर क्वेश्चन, स्पार्किंग कितने वोल्टेज पर होता है? स्पार्किंग जो होता है वो कितने वोल्टेज पर होता है आपको बताना है। उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2000 वोल्टेज से लेकर 2200 वोल्टेज के बीच में हमारा स्पार्क होता है, और ये कौन सा होता है? डीजल इंजन में नहीं होता है, ये हमेशा पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा रहता है। 46 नंबर क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। अगर चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी वीडियो हमारी कैसी बनी थी। डीजल इंजन में कंबसन चैम्बर में डीजल किसकी सहायता से पहुंचाया जाता है? डीजल इंजन में कंबसन चैम्बर में डीजल किसकी सहायता से पहुँचाया जाता है आपको बताना है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए और बी, ए और बी, फ्यूल पंप से और एसी यांत्रिक पंप से पहुंचाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो का और भी पार्ट देखने के लिए चैनल के हमारे प्ले स्टोर में ज़रूर विजिट करें। करंट अफेयर्स, ट्रैफिक रूल, सामान्य ज्ञान, डीजल ए पेट्रोल इंजन,
लूसेंट, करंट अफेयर्स, बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, मैथ के वीडियो डले हुए हैं, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं पार्ट बाई पार्ट। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।